से स्वागत है हमारे चैनल वन जे आई क्यू पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग ट्रिपल आई के डिफरेंट सब्जेक्ट का हम लोग जो स्टडी करते हैं, तो आज जिस सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं उसको हम लोग जानते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IC90 HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक चैप्टर नंबर 9 जो टाइटल्ड है वो है लीडरशिप। तो बगैर देर के वह शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 लीडरशिप। चैप्टर शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या मिलेगा। तो जैसा कि डेफिनेशन में यहां पर दिया हुआ है, द चैप्टर डील्स विद इश्यूज रिलेटिंग टू लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसे हम लोग जानेंगे। एंड एक्सप्लेन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड लीडरशिप स्किल, और एक गुड लीडरशिप के स्किल में क्या क्या होना चाहिए वो भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन जो आता है वो है इंट्रोडक्शन। द मेन सोर्स द मेन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन आर पीपल। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम देखते हैं ये रिसोर्सेज, इसमें देखते हैं हम लोग मनी, मटेरियल, टाइम, मशीन, पीपल भी आते हैं हमारे। ये जो है पीपल हमारा, ये एक मेन रिसोर्स है। और इस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग पीपल कॉल्स फॉर लीडरशिप स्किल। इसे जो मैनेज करता है मशीन हो गया, इसको मैनेज पीपल करेंगे, लेकिन पीपल को जो मैनेज करेगा वो हमारा कहलाएगा लीडर। इवन के उसे कह सकते हैं कि वो स्किल जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगा हमारा लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल आर डिफरेंट फ्रॉम मैनेजरियल स्किल। लीडरशिप स्किल जो है इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैनेजरियल स्किल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लीडरशिप स्किल क्या है। लीडरशिप स्किल ये है कि पीपल को जो मेन रिसोर्स है उसे मैनेज करने का जो काम है वो है लीडरशिप स्किल। मीनिंग आते हैं लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। क्वेश्चन आता है इससे, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। Leadership is the ability to influence the other people. It is also defined as the process of influencing people. Process of influencing people भी कह सकते हैं हम लोग। Inspire होकर, leader से inspire होकर करके जो भी कुछ काम करना होता है people का वो लोग करते हैं, और हम लोग खास करके जो है वो उनसे influence होते हैं। इस तरीके से जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि गांधी जी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए थे और फिर लोगों ने जो है काम करना शुरू किया था। अगर आप देखें जो रिसोर्सेज है गांधी जी के पास पीपल के फॉर्म में, तो वो इंस्पायर हुए गांधी जी से, गांधी जी के थॉट से इंस्पायर हुए, और उन्होंने फिर उनके जैसा जो है काम करना और उनके काम में हेल्प करना उन्होंने शुरू किया। लीडरशिप इज रिलेटेड टू मोटिवेशन ऑफ पीपल। लीडरशिप जो है इज रिलेटेड टू मोटिवेशन ऑफ पीपल। पीपल को जो है मोटिवेट करते हैं पर्टिकुलरली। समटाइम्स इट मे बी हैपन दैट मैनेजर्स आपको हमें आपको या हमें कह रहे हैं कुछ बात करने के लिए, बट वी आर नॉट सो मच रेडी टू एक्सेप्ट इट, और वी कैन से वी आर नॉट सो मच इन्फ्लुएंस्ड टू डू इट। लेकिन जैसे हमारा मनपसंद मैनेजर या हमारा मनपसंद कह सकते हैं लीडर आकर करके वो काम करने के लिए कहता है, वी आर रेडी टू डू इट in any cost. Achieving of task. Next, achieving of task kya hai? In an organization context, a leader's responsibility is to influence the behavior of the people under his charge in such a way that the tasks are achieved.
कोई काम हम लोगों को दिया गया, इसको अब अचीव करना है, इस पूरे काम को हमको अचीव करना है। अब जो लीडर हमारा जहाँ यहाँ पर रोल प्ले करता है वो है इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। यहाँ पर जो है लोगों लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, लोगों को मोटिवेट करे काम करने के लिए, ताकि हम लोग इस जो है जो हमारा जो टारगेट है हम उसे अचीव कर पाए। नेक्स्ट है बिहेवियर, द कॉम्प्लेक्स पर्सन बिहेवियर। बिहेवियर आर द आउटकम ऑफ सेवरल थिंग। बिहेवियर जो है हमारा ये आउटकम है सेवरल थिंग्स, मेनी ऑफ थिंग्स विच आर विद इन अ पर्सन। दीज आर बिलीव्स भी हो सकते हैं, वो वैल्यूज हो सकते हैं, परसेप्शन हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, एटीट्यूड्स हो सकता है। वन सीज द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे विच आर नॉट 100% ट्रू। द डिस्टॉर्शन इज कॉज्ड बाय परसेप्शन एंड बिलीव। एक पर्सन के अंदर जो है बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट होता है, बिहेवियर इम्पैक्ट होता है आपका बिलीव से, किस चीज को वो मानते हैं, वैल्यूज किस वैल्यूज को वो फॉलो करते हैं, परसेप्शन क्या उन्होंने अपने जहन में कौन सी बात को बैठा रखा है, फीलिंग्स किसी भी चीज के तहत उसके अंदर फीलिंग्स क्या है, एटीट्यूड, इन सारी चीजों का जो है ये मिक्सचर है बिहेवियर, और यही कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो लेकर के जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो किसी एक चीज को ही मान कर करके हमने उस चीज को वो डिक्लाइन कर दें। किसी भी काम के पीछे कोई एक चीज भी हो सकता है जिसकी वजह से हमने उस काम को किया या नहीं किया। डायमेंशन ऑफ पर्सन अ वर्क डायमेंशन ऑफ अ पर्सन इज दैट अ वर्कर ब्रिंग्स इनटू द वर्क प्लेस हिज टोटल पर्सन व्हिच हैज फाइव डायमेंशन। हम जो किसी भी वर्क प्लेस में देखते हैं तो वहां पर जो एक पर्सन हमें जो सामने नजर आ रहा है, इट इज नॉट मेयरली अ पर्सन, देयर इज अ फाइव डायमेंशन वी कैन से, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पावर रिलेशनशिप। यह है हमारा डायमेंशन ऑफ ए पर्सन। ऑल दिस डायमेंशन मे नॉट कम इन टू ऑपरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग अ टास्क, बट दे ऑल एग्जिस्ट एट वर्क एंड इन्फ्लुएंस द पर्सन एटीट्यूड एंड कैपेसिटी टू वर्क। ये सारी चीजें जो है एट ए टाइम अवेलेबल नहीं रहेंगी, लेकिन ये सारी चीजों में से कोई एक चीज जो उसे इन्फ्लुएंस करेगा, जो उसे मदद करेगा काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरीज ऑन लीडरशिप। मैकग्रेगर्स थ्योरी, ये क्या है, एन इंपॉर्टेंट थ्योरी टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एट वर्क वॉज पोस्टुलेटेड बाय डॉगल्स डॉगलस मैकग्रेगर। इसे इस तरीके से कैसे समझ सकते हैं हम लोग, बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस किसने बताया था, ये बताया था हमारा डॉगलस मैकग्रेगर। बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस postulated by Douglas MacGregor. Behavior was not the consequence only of an individual's inherent nature, but was also a result of the manner in which he is managed at work. सिर्फ यही नहीं कि उसके अंदर जो है जो चीज हो रहा है उसके ही इन्फ्लुएंस की वजह से वो बिहेवियर है, बट ये भी डिपेंड करता है कि जिस जगह पर वो काम कर रहा है उस जगह का एनवायरमेंट कैसा है, उस जगह को कैसे मैनेज किया जा रहा है। थ्योरी एक्स अजम्पशन, व्हाट नेक्स्ट, थ्योरी एक्स अजम्पशन, what is theory x, theory x assumption, an average human being has an inherent dislike of work. ek average person jo hai wo kabhi kaam karna nahi chahta hai and will avoid it, aur koshish karta hai ki hum kaam se kitna zyada jo hai bach sake hum log, therefore worker must be coerced. ye ek chhota sa cheez hai, ye theory x kya hai behavior log ka,
डिसलाइक ऑफ वर्क एंड दे अवॉइड, चाहते कितने ज्यादा ये काम दूसरे पर कर लें, तो क्या होगा, वर्कर मस्ट बी कोर्स्ड, उनको थोड़ा सा डराया जाए, कंट्रोल, डायरेक्टेड एंड थ्रेटेंड, ये थ्रेटेंड नहीं मारने वाला बल्कि थ्रेटेंड वाला कि देखो आपका पैसा कट जाएगा, आप नहीं करोगे तो ऐसा होगा, आपका इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपके परफॉर्मेंस में जो है वो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट आते हैं विथ पनिशमेंट टू गेट देम टू मेक एडुकेट एफर्ट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका तो एक गोल है ना, उसका तो एक प्रोडक्शन का एक प्रोडक्शन चाहिए उसे, तो अब जब जो है हम वहाँ पर काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे अचीव होगा, तो उसको अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स जो है लिए जाते हैं। नेक्स्ट और है, एन एवरेज ह्यूमन बींग प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड, डजंट लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरेज आदमी जो होता है वो जो है वो चाहता है कि ही शुड बी डायरेक्टेड, उसको कोई डायरेक्ट करे, इंस्टेड ऑफ ही डोंट वांट टू, ही डजंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज लिटिल एम्बिशन एंड वांट सिक्योरिटी अबव ऑल, और वो नहीं चाहता है उस झमेले में नहीं जाना, बताओ भाई आपको क्या काम करना, मैं वो काम करूंगा। An average worker has little capacity for creative problem solving. और जो है जो एवरेज वर्कर होते हैं वो जो है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है वो नहीं करते, वो बस हमें इतना काम दे दो, आई हैव टू फिनिश इट एनी हाउ, मैं काम करूँ खत्म करूँ, ज़्यादा मैं इन सारे दिमाग में लगाना नहीं चाहता, मैं इतने इन सारे चीज़ों में नहीं जाना चाहता। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मैकग्रेगर्स कॉल्ड दिस सेट ऑफ अजम्पशन थ्योरी एक्स एंड सेड दैट दे रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो सारा जो ये मैनेजमेंट का है तरीका, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है। ट्रेडिशनल पैटर्न, व्हाट नेक्स्ट, थ्योरी एक्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो थ्योरी वाई भी होना चाहिए हमारे पास। थ्योरी वाई, व्हाट इज दिस, एट द अदर एक्सट्रीम आर द अजम्पशन ऑफ व्हाट द कॉल्ड थ्योरी वाई। अब इसके दूसरे एक्सट्रीम एंड में जो है वो थ्योरी वाई है, द एवरेज वर्कर डज नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क, वर्क कैन बी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड एंजॉयमेंट। बहुत सारे इसके रीजन पीछे है कि कुछ लोग काम करना क्यों नहीं चाहते, इस चीज को अगर हम ढूंढ निकालेंगे, ये है हमारा जो है वो थ्योरी वाई, उसके पीछे रीजन होता है वाई वी डोंट वांट टू डू दिस वर्क, वाई आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन दिस वर्क, वाई डोंट वांट टू बी क्रिएटिव, ये चीजें हमें जाननी है। समथिंग इज दैट कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू आउटकम्स फ्रॉम एफर्ट पुट इन। People learn under proper condition, not only to accept but to seek responsibility. They also learn under different condition to avoid responsibility and seek security. जहाँ पर जो है लोग सीखते हैं, अगर उसे जो है वो हम वो environment नहीं देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे। If we don't give them the opportunity, they will not learn. The capacity to be highly imaginative and creative in the solution of organizational problems is distributed widely among people. हमें जो है क्रिएटिव अगर बनना है, थॉट को लाना है, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट पूरे अपने एनवायरनमेंट में जो है, नेटवर्क में वो फैलाना पड़ेगा हमें। द पोटेंशियलिटीज ऑफ द एवरेज वर्कर ओनली पार्शली यूटिलाइज। हम लोग कह सकते हैं कि जो एवरेज वर्कर है उसके पोटेंशियल को हमने हार्डली यूटिलाइज किया है, पार्शली यूटिलाइज किया है, पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं है। Theory X and theory Y are two extreme anchors. Any workers at a time may be somewhere between X and Y. हर कोई या तो वो करेगा या वो नहीं करेगा। He has to be managed according to the assumption appropriate to his personality and character. There is no average worker. और इस बेस पर हम कह सकते हैं कोई भी average worker नहीं है। If I am willing to do this, then it leads to me another thing, another assumption. If I don't want to do this, it leads to me a different direction. Next आते हैं हम लोग leadership style। यहाँ से बहुत सारा question रहता है। Leadership style refers to the type of behavior and conduct that leader adopts। क्या है इसमें leadership style में? Type of
बिहेवियर एंड कंडक्ट. द लीडर टॉक्स व्हाइल डीलिंग विद हिज पीपल. डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड लीडरशिप इन डिफरेंट वेज. बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीका से बताया है. क्या है वो, उसको देखते हैं. एक है हमारे थिंकर रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेन इज माउंटन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीड. और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया और वो कॉन्सेप्ट जो था वो ये था. एक ग्रिड बनाया उन्होंने जो लीडर है हमारा वो है 1.1. ये बना लीडर ऑफ द 1.1 टाइप हैव लो कंसर्न फॉर पीपल. पीपल के लिए लो कंसर्न है. एंड ऑल्सो लो कंसर्न फॉर टास्क. टास्क के लिए भी वो लो कंसर्न है. They are satisfied with the minimum effort. जितना चाहिए हमें जरूरत with वो मेरी satisfied है वो. Type one हमारा क्या है? People के लिए low concern है, task के लिए low concern है and satisfied with minimum effort. Two क्या है हमारे पास? 9.1. 9.1 टाइप ऑफ लीडर क्या है? द 9.1 टाइप से वेरी हाई कंसर्न फॉर टास्क. हाई कंसर्न फॉर टास्क 9.1 दिस वन. हाई कंसर्न फॉर टास्क बट वेरी लो कंसर्न फॉर पीपल. वेरी लो कंसर्न फॉर पीपल. They operate on theory x assumption. और ये operate किस में करते हैं? Assumption पर. सवाल यहां से भी आता है 9.1 जो है वो क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, 1.1 किस तरह से काम करते हैं. इस डायग्राम को हम हमेशा बना करके रखेंगे. यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट एक आते हैं हम लोग. टाइप है 1.9. दैट इज 1.9 हैविंग हाई कंसर्न फॉर पीपल. पीपल के लिए कैसा है उनका? हाई. एंड लो कंसर्न फॉर टास्क. हाई कंसर्न फॉर पीपल बट लो कंसर्न फॉर टास्क. विल बी अ वेरी पॉपुलर फिगर. Building a fellow feelings and camaraderie. The happiness of and harmony among his colleagues has greater priority to him than the work to be done. और people के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो concern रहता है काम के लिए हो चाहे नहीं हो. He operates on theory y. इस ये किसमें operate करते हैं? Theory y. He is called as democratic or benevolent leader. Democratic
देते हैं हम लोग 1.9। पीपल के लिए हाई कंसर्न है हमारा, लेकिन टास्क के लिए हमारा लो है। पीपल के लिए हमारा हाई कंसर्न है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं डेमोक्रेटिक से। यहाँ पर बेनोवेलेंट खैरखा कहते हैं हम लोग, जिसका जो है वो दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखता है, ये है इसका हमारा। नेक्स्ट इसे इरेज करता हूं, नेक्स्ट है हमारा 9.9, ये है पीपल के लिए हाई कंसर्न एंड टास्क के लिए भी हाई कंसर्न। He involves people in decision, looks to their needs, but never forget that task have to be performed. वो लोग जो है वो people का भी ख्याल रखते हैं, उनके काम में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कभी उनके जहन से ये नहीं होता है कि हम जो है वो टास्क वो कंप्लीट नहीं करना है। He demands and get high levels of performance not through coercion but through persuasion and inspiration. डरा धमका वो काम नहीं कराते हैं, बल्कि वो लोगों को इंस्पायर करते हैं और काम करवाते हैं। लीडरशिप स्टाइल, यहां से भी क्वेश्चन रहता है हमारा। लीडरशिप स्टाइल इसको हम लोग जो है वो चार क्वेश्चन बांट सकते हैं। पहला वाला है हमारा सेपरेटेड स्टाइल, वन पॉइंट वन, ऑपोजिट इसका आ जाता है 1.9, रिलेटेड स्टाइल। नेक्स्ट है 9.9, इंटीग्रेटेड स्टाइल। नेक्स्ट है 9.1, डेडिकेटेड स्टाइल। यहां से भी हमारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग 1.1 जो है जिसको हम लोग सेपरेटेड स्टाइल कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज इम्पोवेरिस्ट, जहां पर जो है हमारा वो कंजर्वेटिव होते हैं, प्रोसीड्योर माइंडेड होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, ट्राइंग टू बी एक्यूरेट, काम, डिस्क्रीट, स्क्रपुलस, नॉट मिक्सिंग ईजिली, लो इंट्रैक्शन, रोल ओरिएंटेड, टास्क लिटिल इनिशियटिव, गिव्स मिनिमम गाइडेंस, बस हमको काम कंप्लीट करना और कुछ नहीं, उनको ज़्यादा सोचना नहीं है, इस वजह से वो लोग जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9.1, ये है हमारा डेडिकेटेड स्टाइल, और इसको हम लोग और कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ये कैसे होते हैं, दे आर डिटरमाइंड, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट, बिजी, ड्राइविंग, रेस्टलेस, सेल्फ रिलायंट, टॉप ऑलवेज ऑफ जॉब, हमेशा वो काम की ही बातें करते रहते हैं, काम करना है, काम करना है, काम करना है। दे आर थिंकिंग ऑफ देयर वर्क एंड नथिंग एल्स, कंट्रोल्स, एम्बिशियस, लाइक्स रिवार्ड पनिशमेंट्स, self-centered, inconsiderate to others, manipulative, likely to be found in production. और ये लोग ज्यादातर जो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के लोग जो है वो अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड स्टाइल, दैट इज 1.9, इसे हम लोग कहते हैं कंट्री क्लब। इम्फेसिस पर्सनल डेवलपमेंट, इनफॉर्मल, लॉन्ग कंजर्वेशन, सिंपैथेटिक,
अप्रूविंग इंकरेजिंग फ्रेंडली एंड रीअश्योरिंग लाइकली टू बी फाउंड इन सेल्स पर्सनल एंड ट्रेनिंग। देखेंगे सेल्स के लोग हमेशा जो होते हैं वो सिंपैथेटिक होते हैं, पहले वो उनकी बात को सुनकर करके अपने हिसाब से जहन को बनाते हैं, एनवायरनमेंट को बनाते हैं, ताकि जब हम दूसरे की बातों को सुनेंगे, जब हम सिंपैथेटिक होंगे तभी जा करके हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। इस वजह से ये लोग ज़्यादातर जो है वो सेल्स में अवेलेबल होते हैं, सेल्स में होते हैं, पर्सनल में होते हैं, ट्रेनिंग में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड, दैट इज 9.9। इससे हम लोग और नाम किस नाम से टीम मैनेजर के नाम से जानते हैं। टॉक्स ऑफ आइडियल्स, goals, policies, wants, values, lot of sharing, listens, participative, problem solver, inspire, usually, हमेशा ज़्यादातर जो होते हैं ये लोग सीनियर लेवल पर होते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होते हैं। ये होना चाहिए उनको टीम मैनेजर्स को, बट ये ऐसा नहीं होते ज़्यादातर। नेक्स्ट है द वन एट 5.5 इज लीडर, वन एट 5.5 इज लीडर, इज ए लीडर विद एवरेज कंसर्न। और ये जो होते हैं यहाँ पर ये एवरेज कंसर्न के होते हैं, एवरेज कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड टास्क, ही मे गेट एडिक्वेट बट नॉट आउटस्टैंडिंग कोऑपरेटिव एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस चैप्टर से, हमेशा सवाल रहता है और यहां से इस पोर्शन से खास कर जो है रेडिंग्स 3D थ्योरी, थ्री थ्योरी ऑफ मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, प्रोफेसर बिल रेडिन डेवलप्ड ऑन दिस ग्रिड विद द थर्ड डायमेंशन ऑफ इफेक्टिवनेस। इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जॉब, इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन लीडर 1.1 विल बी क्वाइट इफेक्टिव इन रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारा लीडर स्टाइल जो है विल बी क्वाइट इफेक्टिव इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ टर्बुलेंट सिचुएशन, जब जो है हंगामा है सिचुएशन वेयर द इनजेन्युइटी ऑफ द वर्कर्स विल बिकम क्रिटिकल, जो वर्कर्स का जो इनजेन्युइटी है वो क्रिटिकल है। 1.9 विल बी इफेक्टिव, 1.9 लीडर विल बी इफेक्टिव इन टर्बुलेंट सिचुएशन हंगामा है। In an emergency, 9.1 in an a leader, ये होता है emergency. In an emergency, as in a fire, someone has to take charge. Only 9.1% 9.1 leader will be effective here. Next है, the word maturity is used to refer to the skill of the subordinate in relation to the task at hand and his will to perform. Maturity क्या है? Maturity यहाँ पर based on this यहाँ पर ये बताया गया है the skill of the subordinate, subordinate का जो काम करने का जो skill है in relation to the task at hand, उसके हाथ में जो काम है and his will to perform और उसको कैसे complete करना है। टेलिंग स्टाइल, व्हेन मैच्योरिटी इज लो ए वेरी ऑथोरिटेरियन स्टाइल विल बी एप्रोप्रिएट, जब मैच्योरिटी लो रहेगा ऑथोरिटेरियन स्टाइल जो है वो काम करेगा। सबऑर्डिनेट मस्ट टू बी टोल्ड ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मैच्योरिटी लो यहां पर क्या है, मस्ट बी टोल्ड, भाई आपको ये काम ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे खत्म करना है।
एंड हाउ टू डू क्लोज इरेक्शन एंड कंट्रोल विल बी नेसेसरी, दिस इज ट्रेनिंग स्टाइल। और यही जो है वो है ट्रेनिंग स्टाइल, हमको इसी से ही काम करना है, ये है हमारा ट्रेनिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल एज मैच्योरिटी इंक्रीजेस, जब मैच्योरिटी बढ़ता है एज मैच्योरिटी इंक्रीजेस पीपल ओरिएंटेशन शुड इंक्रीज एंड टास्क ओरिएंटेशन कैन रिड्यूस ग्रेजुअली द स्टाइल विल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेनिंग टू सेलिंग। और यहां पर ये शिफ्ट होता है ट्रेनिंग टू सेलिंग। When the leader proposes a course of action and explain it to the subordinates before implementing it. Next है participating style. What is this? As maturity increases, further the style will shift to participating. फिर जहां बढ़ता है फिर अब selling से वो participating में आ जाता है। Shift to participating when the leader asks the subordinate for his ideas or suggestion. Now, participating यहाँ आ गया। Now they ask, leader ask for suggestion, for ideas, suggestions, and decide after discussion. और काम उसके बाद करने के बाद होता है। Delegating style. When the subordinate is fully mature, जब वो fully mature हो, that is both his skill and will are high, fully mature. The leader can withdraw totally. अब यहां से leader जो है वो हट जाता है। Leaving him to do his job. अब आप अपना काम खुद से करो। This is the delegating style where the leader shows little concern for either task or the person. The subordinate is competent to manage himself. This is the same as the effective one-to-one style. अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो fully matured हो गया है, they are not any more required any guidance. They are not more required any influencing motivation. अब वहां पर वो खुद से वो काम करना शुरू कर देता है, वहां से जो है लीडर अपना रोल कम करना शुरू कर देता है। क्रिस आर्गिरिस नोटेड दैट एज अ पर्सन मूव्स फ्रॉम इमैच्योरिटी टू मैच्योरिटी हिज नीड्स फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। जैसे वो मैच्योर होते जाता है, now he has started shifting from dependence to independence, passive to active, erratic show interest to deeper stronger interest, being subordinate to being in control, having a full awareness of self and choice of more behavioral option. अब जो है हर एक चीज में उसकी रुचि बढ़ती जाती है। The Hersey and Blanchard concept follows closely the leadership continuum model proposed by Schmidt and Tannenbaum, which classify the style according to the extent of participation or freedom given to the subordinate in decision making. और जो है इन लोगों ने थ्योरी डेवलप किया कि जब जो है पार्टिसिपेशन होता है उस वक्त के हिसाब से क्या होता है, उन लोगों को फ्रीडम देते हैं तो क्या होता है। At one end of the continuum, the style is where the participation by the subordinate is low. The participation increases as one moves up on the continuum till at the other end. Participation is highest and the leader takes a smaller role. जैसे जैसे वो लोग जो है अपनी रुचि को दिखाते हैं ज्यादा उस काम में, उसके बाद लीडर का रोल कम होता जाता है और इनका जो है काम ज्यादा होता जाता है। Next है benefit of process of participation. The process of participation helps to develop the subordinates. कंपिटेंस पार्टिसिपेशन से फायदा क्या होता है, पार्टिसिपेशन से फायदा है पार्टिसिपेशन हेल्प्स टू डेवलप द सबऑर्डिनेट, डेवलप डेवलप द सबऑर्डिनेट्स कंपिटेंस कंपिटेंस बाय गिविंग हिम इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी टू लर्न द रैशनल रैशनल ऑफ डिसीजन। जैसे हम लोग उसे पार्टिसिपेट कर देते हैं
अब क्या है कि उसके अंदर जो है वो कॉम्पिटेंस लेवल आ जाता है और वो पढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर से अब उसके अंदर जो है वो डिसीजन लेने वाला मामला आता है, प्लस जो है वो सीखता है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है। वो लीडर्स हु अलाउ पार्टिसिपेशन, वो लीडर जो पार्टिसिपेशन को अलाउ करते हैं उसका फायदा क्या होता है, शोइंग कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, एक मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा कर रहा है, वी आर इंकरेजिंग हिम, वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू हिम टू शो हिज स्किल, टू इम्प्रूव हिज स्किल, टू इम्प्रूव हिज कैपेसिटी एबिलिटी। शोइंग कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट, वो कंसर्न दिखा रहे हैं कि वो अपना जो है सबऑर्डिनेट अपना डेवलपमेंट करें। शेयरिंग देयर नॉलेज एंड स्किल विद सबऑर्डिनेट, अपने स्किल को वो शेयर कर रहा है। एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म, रिलीविंग देमसेल्फ ऑफ सम बर्डन। ऑब्वियस बात है कि जब जो है मैंने किसी एक को अपने साथ जोड़ लिया है और उसे जो है हमने पार्टिसिपेट करने के लिए दे दिया, तब यहाँ पर हमारा जो रोल है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। बिकमिंग फ्री टू अटेंड टू अदर टास्क ऑफ इम्पॉर्टेंस, अब जो है दूसरे काम जो इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, वो मेरे लिए जो है वो और हो गया है। अब इसको आप देख सकते हो, पार्टिसिपेशन विद रिगार्ड टू थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी वाई अजम्पशंस विल मेक अ लीडर रिजॉर्ट टू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन। थ्योरी वाई जो है मेक अ लीडर रिजॉर्ट टू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, यहां पर बताता है वो increasing participation. A leader who does not practice participation may be operating on theory X. लेकिन जो leader theory X को follow करता है becomes under theory X. Those who don't allow the employee and the subordinates to participate. Creativity, new ideas, excellence in performance become possible through innovation and creativity. Performance में excellence जो है वो creativity की वजह से आती है। हम जो है कुछ नए ideas लेकर के आते हैं, हम अपने performance में जो है वो creative होते हैं। Idea stopper क्या होता है? Some idea stopper जो रोकने वाले हैं, stopper. रोकने वाले। Some idea stoppers are statement or action that say the following: we have tired that, we have tried that before, it won't work, rules do not permit, how that can be done, it does not suit our situation, cost too much. मतलब जितनी सारी चीजें हैं, बंदिशें आ रही हैं, जितनी सारी चीजें रुकावटें आ रही हैं इस काम को ना करने देने के लिए, ये लोग होते हैं idea stopper, जो idea को जो है वो चलने नहीं देते, काम करने नहीं देते। Dragging to daring to think differently, all innovation and creativity and consequent development have taken place because people dared to think differently. Jitne bhi hamara jo innovation hai aaj ke daur mein, we are using mobile phone of touch screen, they dare to think so. Ola Uber ko le sakte hain hum log, un logon ne socha, dare kiya wahan par. Brainstorming, the process of building up ideas in a group under condition of relaxed enjoyment without judgment is called brainstorming. हमने judgment नहीं लिया, कुछ भी सोचो, कोई बात नहीं, we are just relaxed. अब वहाँ पर क्या, we have given them the opportunity. सोचो कोई बात नहीं, we are not going to judge anything. यहाँ से जो है brainstorming, जब जो है मौका मिलता है उस process को कहते हैं हम लोग brainstorming. जब एक judgment का कोई वहाँ पर ये नहीं किया गया है, without judgment. कुछ भी आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। Brainstorming is a technique that helps generate creative ideas. हमने आजादी दे दी है। Write what do you want to write. Draw what do you want to draw. क्या करना चाहते हो, draw क्या करना चाहते हो, आप करो, कोई इशू नहीं। Effective participation is the appropriate technique to achieve this result. और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब जो हम लोग पार्टिसिपेशन के लिए एक्टिव करेंगे उसे तब। Groups and teams
Everybody's work connects to someone else's work and the final result are achieved when all these jobs are done in coordination. हर किसी का काम जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. We cannot achieve anything solely. हमें जो है दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा. हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है. People have to work in group. They are interdependent on each other. हम लोग हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. हम लोगों को हर एक दूसरे को एक दूसरे के साथ काम करना है. Reason for forming groups क्या हो सकता है? Reason? People from groups form groups for many reasons. One of them is proximity or nearness in time or space. एक ही साथ जो वो लोग रहते हैं. Particularly से हम देख सकते हैं fellow travelers in a train compartment can be an example. दोनों एक साथ जा रहे हैं. Group बन गया वो उसका. भले ही they are in different sector, they are in different offices, but there is a group. वो लोग एक साथ जा रहे हैं. Another reason can be common activities. Common activities हो सकता है उन लोगों का. इंट्रैक्शन हो सकता है. इंटरेस्ट हो सकता है. एक तो ट्रेन वाले हैं जहां पर जो है ट्रेन वाले जो है वो देयर एक ट्रेन में रहे लेकिन दे आर गोइंग टू सम एक ही जगह जा रहे हैं. अलग अलग जा रहे हैं. लेकिन एक ये भी हो सकता है एक ही ऑफिस में सारे लोग जा रहे हैं. वर्किंग ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन वर्किंग ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन आर समटाइम्स कमांड ग्रुप ऑल वर्किंग अंडर वन लीडर. सब कोई जो है एक ही लीडर के अंदर में काम कर रहा है तब तो वो हो गई. There may also be problem solving group or task force put together for a specific task or solving a problem or executing a job. Next, synergy. Synergy Synergy is the concept which says that the interaction of members in a group can create energy, abilities or knowledge more than the sum of the energies of the members themselves. This was what Elton Mayo noticed. और इसको डेवलप किया था, नोटिस किया था एल्टन मेयो. इंट्रैक्शन ऑफ मेंबर इन अ ग्रुप कैन क्रिएट एनर्जी. आपस में जब लोग बातें करते हैं, जब जो है सोचते हैं एक चीज के बारे में, तो वहां पर जो है वो एक अलग ही एनर्जी बनता है वहां पर. हेल्दी कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीबॉडी. हेल्दी कंपटीशन जब होता है आपस में, तब वहां पर जो है वो काम और अच्छे तरीके से होता है. आई वॉन्ट टू डू इट बेटर. मैं बेटर करना चाहता हूं. मुझे जो है अच्छा परफॉर्म करना है. टीम डिसीजन आर बेस्ट मेड बाय कॉन्सेंसस. कॉमनली जो है इत्तेफाक राय कह सकते हैं इसे हम लोग. विच मीन्स दैट ऑल मेंबर्स अग्री विद द डिसीजन. हर कोई जो है वो डिसीजन से अग्री है. कॉन्सेंसस इज डिफरेंट फ्रॉम यूनानिमिटी. इन अ यूनानिमस डिसीजन ऑल द मेंबर्स आर ऑफ द सेम माइंड. देयर आर नो डिफरेंस. सब कोई हाँ 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 बोल रहे हैं. बट इन अ कॉन्सेंसस डिसीजन डिफरेंसेस मे एग्जिस्ट बट वी आर अग्री. They agree to ignore the differences for the time being. उस वक्त के लिए अपने differences को ignore कर दे रहे हैं और यहाँ पर वो राजी हो जा रहे हैं काम करने को. Authority and power. In organization there is no formal position called leader. Organization में तो होता ही नहीं है generally. वो तो unions का होता है. That is not a part of organization. वो union है. उसको बनाया गया union का part है. Organization, there is no formal position called leader. They are managers and heads of department. All such people will be required to get work done through a subordinate. All of them therefore have to function as leader. Jo managers hai, they have to play the role of a leader. Authority includes the right to instruct subordinate,
दिस डिड नॉट नेसेसरीली हेल्प हिम एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस पावर. द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड एज पावर. ये आता है हमारा क्वेश्चन, इससे भी आता है. व्हाट इज पावर? द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस. The ability to influence is defined as power. An effective leader has influence over his people. He therefore has power. A leader has power because a member of his group accepts his leadership. Authority is given from above. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. Authority is given from above. Authority जो है वो ऊपर वाले ने, जो ओनर है या फिर जो और जो है हायर लेवल मैनेजर्स है, दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू द मैनेजर. नाउ पावर इज गिवन फ्रॉम बिलो. लेकिन जो काम कर रहे सबॉर्डिनेट्स का काम किया मैंने, अब मुझे वहां से पावर मिला है. अथॉरिटी इज दैट ऑफ अ पोजीशन, पावर इज दैट ऑफ अ पर्सन. मेरा यह पावर है कि मैं यह काम करा सकता हूं. मेरा ये पावर है कि मैं काम रुकवा सकता हूँ. मेरा ये पावर है कि आई कैन डू स्ट्राइक. ये पावर है. पावर इज समटाइम्स रेफर टू एज अ पर्सनल अथॉरिटी, इंडिविजुअल अथॉरिटी. अ लीडर हैज टू एक्वायर पावर फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स. सबॉर्डिनेट्स उसे पावर मिल चाहिए. पावर इज गिवन टू अ लीडर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन. फियर दैट द लीडर में पनिश. ऐसा होता है कि फियर जो है वो फियर रहता है कि मुझे पनिश किया जाएगा. होप दैट द लीडर कैन रिवॉर्ड. लीडर जो है हमारा वो हमें रिवॉर्ड देगा. रिगार्ड फॉर द अथॉरिटी ऑफ द लीडर. अथॉरिटी जो उसके पास मिला उससे. रिकग्निशन ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ द लीडर. उसके मुकाबला में, लीडर के मुकाबला में कॉम्पिटेंस है उसकी वजह से. रिस्पेक्ट फॉर द लीडर एज अ पर्सन. एक पर्सन को जो है रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से उसे पावर मिल गया है. अब हम लोग चैप्टर्स के जो है वो एंड पोजीशन में आ गए हैं. इसमें जो ज़रूरी चीज़ें थी, खास करके वो ग्रिड वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है. उसे जो है हम लोग अच्छे तरीके से बार बार पढ़ेंगे और बार बार समझेंगे. आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करा करके वहाँ पर जाएँ और देखें, विजिट करें और उस चीज़ को देखने की कोशिश करें और देखते हैं. फिर पार्टिसिपेशन से क्या फ़ायदा होता है. एम्प्लॉयज़ आर इन अ पोजिशन टू कंट्रीब्यूट टू डिसीजन. एम्प्लॉयज़ या फिर सबऑर्डिनेट्स ऐसे पोजिशन में है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. They will happily do so if consulted. लेकिन वो उस वक्त करेंगे जब उन्हें कंसल्ट किया जाएगा, जब उन्हें उस डिसीजन का जो है एक पार्ट बनाया जाएगा, तब वो करते हैं. They may help even the management to implement a harsh decision. वो उस वक्त भी मदद करते हैं जब कोई एक हार्श डिसीजन लेना होता है. Consultation improves the motivation to contribute. Consultation हमेशा जो है ना वो एक motivate करता है लोगों को कि मुझे भी पूछा गया है, मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो छोटे पोजीशन में हूँ, मेरा जो है डिजिग्नेशन कम है, बट फिर भी मैनेजर ने मुझे बुलाया है एंड ही इज रेडी टू टेक माय फीडबैक आल्सो. इससे क्या होता है? इन्वॉल्व पर्सनल एट ऑल लेवल इन वर्चुअली एवरीथिंग. क्या होता है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड बजट, असेसमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लेआउट्स, वर्क असाइनमेंट्स, वर्क फ्लो. तो इसी वजह से लिसन टू देम कॉन्स्टेंटली एंड कंप्लीटली. उन्हें मौका देना चाहिए. ये एक अच्छे लीडर की जो है वो खासियत है. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 लीडरशिप. इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और भी हमारे चैप्टर्स बाकी है, उसको हम लोग देखते हैं जैसे जैसे आगे आता जाएगा. हम लोग उसे एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे. जहाँ पर मेरे जहन में बात आ जाएगी, यहाँ सवाल आता है, मैं उसे भी हाईलाइट करूँगा. तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ मैं. तो मेरे वीडियोस को देखें आप, मेरे वीडियोस को पसंद करें, ना पसंद करें तो भी आप जो है बताएं, लिख कर बताएं. क्योंकि अगर आप डिसलाइक करेंगे तो फिर मेरे फर्दर वीडियोस की जो है वो जनरली जिस तरह से एल्गोरिथम है YouTube का, तो वो हो सकता है कि हमारा जो है नेक्स्ट वीडियोस का जो है वो आपके पास ना आए. जब आप डिसलाइक करें तो टेल मी द रीज़न सो दैट आई कैन कम्युनिकेट टू यू. फिर फर्दर जो है आप दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हैं आप.
तो कोशिश करें और मिलजुल करके हम लोग एक्सचेंज के साथ जो है वो अभी हम लोगों ने देखा कि नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन टू पार्टिसिपेट विथ मी, अब मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, शो योर कंसर्न सो दैट आई कैन मोटिवेट और मैं आपको और अच्छे से अच्छे जो है वो पढ़ा सकूँ और अच्छे से अच्छे जो है बता सकूँ मैं। टिल देन खुश रहें आप, दुआएं हैं अच्छा करें एग्ज़ाम में और जल्द से जल्द जो है वो लाइसेंशियर फेलोशिप और एसोसिएट फेलोशिप डिग्रियाँ गैदर करें और जो है अपने नॉलेज को अपने एकेडमिक कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को और बढ़ाएं आगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।